लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नेशनल एयरपोर्ट से बाधित जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनको 20 सालों से कोई न्याय नहीं मिला। अब जब नई एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है तो उसमें एक नया मुद्दा आ गया है उसके नामकरण का, उस प्रस्ताव को भी अभी तक सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इस बीच में जो 27 गांव प्रकल्प बाधित कृति समिति है उसने प्रकल्पग्रस्तों के जो मुद्दे हैं पहले से जो लंबित पड़े हैं उन मुद्दों को लेकर नई एल्गार शुरू की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रकल्पग्रस्त हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट निर्माण क्षेत्र में जो उनका गाँव है उनको किस तरह की दिक्कतें हैं, सिडको के विकास से क्या उनका अधिकार है और सिडको किस तरह की भूमिका उनको समाधान उनको न्याय देने में अपना रही है, क्या दिक्कतें हैं जो एयरपोर्ट निर्माण के दौरान आपके साथ हो रही हैं और सिडको से किस तरह की भूमिका की आप उम्मीद करें। पहले तो आप सभी जानते सभी जनता यहाँ आपकी जानती है कि ये नवी मुंबई प्रकल्प जो है ये हमारे त्याग और बलिदान के बदौलत यहाँ खड़ी है, क्योंकि 1970 साल में हमारी जमीन संपादित हुई, हमें भूमिहीन हुए। अभी जो नया प्रकल्प बन रहा है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल प्रकल्प, जिसमें हमारे घर भी जा रहे हैं, हमारे घर भी डिमोलिश हो रहे हैं, तो उसकी बदौलत अभी ये एयरपोर्ट बन रहा है। तो हमारे यहाँ के जब प्रश्न है, पहले तो 12.5% जो जहाँ हमारी ज़मीन जो संपादित हुई थी पहले एक्विजिशन, तो उसके बदौलत जो 12.5% का प्लॉट था वो भी हमें पूरी तरह अभी मिला नहीं। तो अभी पहले तो ज़मीन के बदले ज़मीन ऐसा कायदा नहीं था, तो हमारे दीवापेटी साहब जो देव थे उन्होंने आंदोलन करके हमें उसका कॉम्पेंसेशन दिलाया। अभी जो दिक्कत है जो एयरपोर्ट निर्माण के कारण हो रही है वो किस तरह की मुसीबत है आपको और इससे समाधान की आप उम्मीद? समाधान क्या है, हमारे ये सिडको जो है पहले तो प्रकल्प बनाना चाहती है फिर पुनर्वसन करना चाहती है। शासन ने पहले बात की कि पहले पुनर्वसन हो जाए फिर प्रकल्प, लेकिन अभी उसके उलट जो कर रहे, हमारे अनेक प्रश्न जो प्रलंबित है उसके बारे में सिडको सोच नहीं रही है। और बाकी जो है तो कोई घर तोड़ के भी 4 साल पहले गया है लेकिन उन्हें अभी तक प्लॉट नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर एक्विजिशन ही नहीं था तो उसका प्लॉट नहीं मिला, तो वो लोग अभी भी भाड़े से रह रहे। भाड़ा भी 18 महीने का ही दिया था, 4 साल से भाड़े से रह रहे, उनका भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे। आपने कहा कि 18 महीनों से भाड़ा नहीं दिया है तो लोग रह कैसे रहे हैं? हमारे साथ एक महिला प्रकल्पग्रस्त है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या सिडको ने जो भाड़ा रेगुलर देना चाहिए आपका घर तोड़ने के बाद शिफ्टिंग के लिए, वो क्या सिडको लगातार दे रही है क्या? नहीं, सिडको ने 18 महीने का भाड़ा देव कर ते दिला, पण आज 5-4 वर्ष चौथा वर्ष चालू है, आता ते लोग भाड़ा कुठून भरायचा? काही काही नोकऱ्या नाही राहिला, नीट व्यवस्थित खाया पियाचे सगळ्याचे हाल आहेत। सिडकोने एवढा जबरदस्त आमच्यावर अन्याय केलाय ना की देव सांगितलं ना त्यातला काहीही दिले नाही, कोणाचे घर तर अशी त्याला विचार बघितलं सुद्धा नाही की भाई ह्या व्यक्तीला घर मिळालंय की नाही मिळालंय, न बघता त्याच्या अनुकृत समजून त्यांच्या डोजर फिरवलेत। कोणाला जर राहायलाच घर नसलं तर त्यांनी या जीवनात जगायचा कसा? या सिडकोला कळत नाही पहिला प्रकल्प असता का आधी आमचा, तर यांनी पहिला प्रकल्प बनवायची तयारी केली ना, आमच्या घरांचा काही कोणाचा विचार केलेला नाही आहे। आज आमची मुलं रिक्षा चालून घर चालवतील, घर भाडा भरतील, मुलांचं शिक्षण बघतील, त्यांचं जगणं मुश्किल झालंय, पण ही सिडको काय त्यांच्याकडे लक्ष येत नाही। 2019 पासून आम्ही तिथे आंदोलन केलं, आम्हाला उपोषण केलं, तरी सुद्धा सिडकोने आम्हाला न्याय नाही दिला। एवढंच नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या इथे पण आमच्या मीटिंग झाली, मंत्रालयाला मीटिंग झाली, तिथं मीटिंग होऊन सुद्धा सिडको खोटे बोलते की इथं मीटिंग झाली नाही आणि तुम्हाला देव काय केलं नाही। या सगळ्या खोट्या गोष्टी करून आज 5वा वर्ष निघाला आहे। आम्ही शेतकऱ्याने कसं जगायचं? आम्ही घर दिलं, जमीन दिली, न जर आम्हाला राहायलाच घर नसेल तर आम्ही जगायचं कसं? ज्या व्यक्तीला इतरा का तुला घर नाही तो जगेल कसा? त्याची अवस्था बघा, त्याला रात्रदिवस झोप नाहीत। घर असेल तर रस्त्यावर भाजी विकून तो जीवन जगेल, पण घरच नसेल तो जगेल कसा? नाही सांगलं ना, तर एका घरात 5-5, 6-6 परिवार आहे, त्या परिवारांचे हाल बघा। सिडको प्रशासन काही येत नाही, अन्याय करायला तयार झालेले आहे,
अनुकृत घर आहे सांगून शाने त्यांच्यावर डोजर फिरवते शिरगो आज त्यांची अवस्था बघाल ना तर नाही सांगा असं वाटतंय. रात दिवस झोप येत नाही आहे. लोकांना अन्याय होते शिरको करताय. आज तुम्ही सांगा 41 दिवस आम्ही जर तिथशी आंदोलन केलं मंत्रालयाला मीटिंग झाली आम्ही अमर उपोषण 9 दिवस केलं तरी पण शिरको आमच्याकडे न्याय द्यायला मागत नाही आहे. तर अशा शिरकोचा आम्ही आता अख्ख्या 27 गाव नाही आहेत 27 गाव पण नाही आहेत 95 गाव तिथे हजार अंशाने आम्ही आंदोलन चालू करणार आहेत. हे शिरकोला आमचं आव्हान आहे. आपने देखा ये पीड़ा ऐसी है कि ये सिटको की मनमानी और जो अंग्रेजों का जिस तरह के शासन काल था दमन का शासन काल था कि घर तोड़ दो और रहने के लिए उनको बेघर छोड़ दो इस तरह की हालत प्रकल्पग्रस्तों की यहाँ पर है. तय जिन्होंने अपनी जमीनें दी पुस्तैनी जमीनें सिटको को प्रकल्पों के लिए दी लेकिन आज तक उनको समाधान नहीं मिला. क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह की कंडीशन है इन गाँवों में और जो सिटको की भूमिका थी जो सरकार की भूमिका थी वो कितनी पूरी. जो अभी जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें हमारा घर भी जा रहा है और ज़मीन भी जा रहा है तो हम बेघर हो रहे हैं. लेकिन बेघर होते होते जो अपना सिडको से जो एग्रीमेंट हुआ है कि आपके घर के बदले में आपको प्लॉट दिया जाएगा प्लॉट में आपको 1.5 का FSI मिलेगा और 15% कमर्शियल रहेगा वो देते वक्त ये अपना एग्रीमेंट बाकी हो चुका था. लेकिन अभी जो नया GR आया है गवर्नमेंट का UDCPR करके उसमें जो अपना छोटे प्लॉट है जो इसका एरिया 450 से कम रहेगा उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि 11 मीटर हाइट रहेगा कमर्शियल नहीं मिलेगा. लेकिन जिस बेस पे आपका प्लॉट हमने एक्सेप्ट किया है वो बेस ही नहीं रहता तो वो प्लॉट एक्सेप्ट करने से मतलब क्या है. अगर जो आपका मुबदला देना है अगर वो देते नहीं रहेगा तो कौन सा भी डील रहेगा. आप एक पकड़ लो आपका घर का डील हो रहा है अगर उसका जो वैल्यू बनता रहेगा अगर वो वैल्यू नहीं मिलता रहेगा तो आपका डील कैंसिल होता है बराबर. तो अगर ये प्लॉट का जो बेस रहेगा बेस है 1.5 का FSI G+4 और 15% कमर्शियल अगर वो नहीं देते रहेंगे तो ये प्लॉट लेके भी मतलब क्या है. वैसे ही जो बड़े प्लॉट है 400 मीटर के आगे का 450 मीटर उसमें उन्होंने 24 मीटर का हाइट दिया है जो UDCPR से जो बेनिफिट हो रहे हैं एंसिलरी मिल रहा है प्रीमियम मिल रहा है लेकिन वो हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे. अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब क्या है. आपने बहुत बड़ी बात की कि UDCPR जो मॉडिफाइड अभी आया है डेवलपमेंट प्लान उसके हिसाब से जो आपको मिला हुआ जो अधिकार है जो मिली हुई FSI है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. क्या बड़ी मुसीबत है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पा रहा और प्रकल्पग्रस्त उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं. आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सिडको का इतिहास यहाँ के सब प्रकल्पग्रस्त जाने हुए हैं. सिडको ने पहली बार तो हमारी 1970 में ज़मीन ली थी उस टाइम भी सिडको ने यही कहा था कि इधर के जो प्रकल्पग्रस्त है उनका बहुत अच्छा समाधान इधर हो जाएगा उनके नौकरियाँ मिलेंगे काम धंधे मिलेंगे. लेकिन वो टाइम पे भी सिडको ने हमको कम पैसों से हमारी ज़मीन खरीदी. उस टाइम पे हमारे प्रकल्पग्रस्त के नेता दिबा पाटिल जी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और सिडको से हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दिलवाई और उसी का भुगतान सिडको अभी 40 साल तक नहीं किया है. अभी ये दूसरा प्रकल्प हम पे ऊपर लाद रहा है. सिडको जानती है कि इधर के जो गाँव वाले उनको मालूम है सिडको का इतिहास क्या है. इसलिए सिडको ने हमको चोरी छुपे रास्ते से हमसे समझौता किया. सिडको के अधिकारी हमारे गांव में आते थे और बताते थे कि ये प्रकल्प नवीन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके कैसे फ़ायदे का है इधर आपके बाल बच्चों का कैसा विकास होएगा उनको कैसी नौकरियाँ मिलेंगी ये सब हमको बताया था. सिडको जानती थी अगर ये गाँव वाले फंसेंगे तभी हमारा एयरपोर्ट हो जाएगा क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट बनना सिडको के फायदे में था ना कि इधर के प्रकल्पग्रस्तों के लिए. तो सिडको ने यही किया प्रकल्पग्रस्त सब गाँव वालों को विश्वास में नहीं लेते हुए एक समझौता करार किया. उनके तहत उनको बताया गया कि हम सब जो आपकी पुनर्वसन RR जी फैसिलिटीज़ है वो पूरी तरह के देंगे और इंडिया का फर्स्ट क्लास पैकेज आपको दे के आपका विकास करेंगे आपको अच्छी सेवाएँ सुविधाएँ देंगे. लेकिन हम जानते हैं कि कम से कम 10 साल तक ये प्रकल्प अभी हो रहा है तो उसमें 4 MD जो संजय भाटिया से लेके आज तक के MD ने जो रास्ते पे चल रहे वो टाइम पे जब संजय भाटिया थी वी राधा मैडम थी उन्होंने अच्छा पैकेज दिलवाने का आश्वासन दिया था और उनके तहत भी अच्छा काम चल रहा था. और जब तक जैसे साल बीतते गए वैसे इधर के MD भी बदलते गए और प्रकल्प में जो लोगों को देना था वो बातें पीछे पीछे रहते गई. अभी इधर के प्रकल्पग्रस्त को मालूम है ये प्रकल्प करने के लिए
सिडको को एक भी पुलिस लाने नहीं पड़ा और दूसरा अथॉरिटी का भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं लेना पड़ा, लेकिन 99% लोगों ने घर खुद के घर खुद ने दिए। ये प्रकल्प इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इधर होना लोगों को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि लोगों ने सड़कों को विश्वास रखा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपको लग रहा है कि जो ये समस्याएं हैं क्या ये 27 गांव प्रकल्प प्राधिकृत कृति समिति है इसके जरिए इसका समाधान हो सकता है, आपको उम्मीद है? हमको ऐसा लग रहा है कि सड़कों ने जब हमारे 10 गांव के प्रकल्प ग्रस्त का विश्लेषण करते हुए ये कहा था कि इस 10 गांव की हमको ज़रूरत है, तो आप 10 गांव वाले हमारे साथ बातचीत कीजिए। उस टाइम पे हमारे 18 गांव के लोग इकट्ठा आए थे, लेकिन सिडको जानती थी कि 18 गांव अगर एक साथ आएंगे तो हम उनसे कुछ न कुछ चोरी छुपे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पहली बार सिर्फ 10 गांव वालों के लोगों को बुलाया था कि 10 गांव के लोगों का ही मतलब इस एयरपोर्ट में ज़मीन जा रही घर जा रहे तो उनके साथ ही बात करेंगे। तो उसी टाइम पर 10 गांव का कमेटी बना और 10 गांव के कमेटी के अगेंस्ट उन्होंने जो जो बातें की वो बातें से अभी मुँह फेरती जा रही है, कुछ बातें दी है कुछ बातों से वो मुंह फेर रहे हैं, मतलब वादा खिलाफी हो रही है। आपके कहने का मतलब है कि जो कंडीशन रखी गई थी या जो शर्तें रखी गई जिस शर्तों के आधार पर एक जमीनों का अधिग्रहण हुआ उन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है और वादा खिलाफी हो रही है? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि 10 गांव के लोगों को अभी थोड़ा बहुत मुआवजा मिला है तो उन लोग पीछे गए हैं और जो बचे हैं कुछ गाँव के लोगों तो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो उधर के आसपास से गाँव है जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भराव का काम हुआ है तो और 4-5 गाँव बाधित हो रहे, तो उनको अभी से पता चला है कि ये 10 गांव के बाद हमारा नंबर है। तो उन लोगों ने आगे आके हमको कहने लगे कि हम 27 गांव मिलकर आप सिडको को थोड़ा कड़ा विरोध करेंगे और आपकी बची कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे और आने वाले हम 5-10 गांव पे भी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके वजह से 27 गांव कमेटी बनी है और उन्होंने ठान लिया है कि हमारी कहावत है कि पहले को ठेस तो आगे मतलब वो फ्रेश हो जाता है, तो उसी तरह आगे के 5-6 गांव है उनको कुन लगी है कि इस एयरपोर्ट का मुआवजा उसको भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम 27 गांव के कमेटी से और से अभी सिडको को कड़ा जवाब देंगे। आने वाले समय में सिडको को जो प्रॉब्लम्स है वो सिडको ने वादों की तरह अगर सॉल्व नहीं किया तो संघर्ष अटल है। लोगों को पता है कि सिडको से बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हमने सोचा है ठाना है कि एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम देना है और इधर के प्रकल्पग्रस्त के जो जो प्रॉब्लम्स है आखिरी तक सॉल्व करेगी तभी सिडको को सपोर्ट करेंगे, अन्यथा कोई सपोर्ट नहीं करेगा नहीं करेगा। आपको लगता है कि अभी उसका काम बंद करना ही उसका समाधान है? हाँ, क्योंकि सिडको का इतिहास देखा जाए तो सिडको ने 12.5% में भी वैसे ही ये किया है, तो अभी 22.5% में भी और एयरपोर्ट के पुनर्वसन में भी वही चल रहा है। तो सबका मानना यही है, अगर बोलते हैं जैसे कि नाक दबाए तभी मुँह खुलता है, वैसे ही आज सिडको का बारी आने वाला है, अगर नाक नहीं दबाए तो मुंह नहीं खोलने वाली है, इसलिए काम अगर बंद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लगता है कि वाकई अभी काम बंद करना ही अभी जाके समाधान? हाँ, समाधान जब मिलेगा हम हमारे एयरपोर्ट के जागे पे जाकर आंदोलन करने वाले हैं। क्यों? क्या हमारे इधर इतना अन्याय किया है ना सिडको ने, आप 10 गांव था अब 27 गांव जमा होकर हम उधर आंदोलन चालू करने वाला है। अब क्या क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि वाकई अभी इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि सिडको पर दबिश दी जाए, सिडको का काम बंद किया? 2014 से एयरपोर्ट का काम चालू है, लेकिन पुनर्वसन के क्षेत्र में जाएंगे तो कई फिलिंग नहीं है, कई कुछ एक्विजिशन नहीं है, तो लोगों को अगर भूखंड नहीं मिल रहा है तो सिडको वो काम करने से पहले यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने में ज़्यादा व्यस्त है। तो मेरा कहना है कि हम लोग ये कड़ा आंदोलन करके ये काम बंद करके ही पहले ये हमारा काम जो पुनर्वसन का है वो करें, बाद में एयरपोर्ट का काम करें, का काम करें। जैसा आपने सुना ये सब प्रकल्पग्रस्त हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से एयरपोर्ट निर्माण के कारण बाधित हो रहे हैं। इनके पहले के भी जो मुआवजे हैं 12.5% 22% का जो पुष्पक नगर में दिया जा रहा है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे में अब नए भराव के कारण और कुछ गांव प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सिडको और सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, और शायद इसीलिए प्रकल्पग्रस्त अब एक बार से फिर से आंदोलन के मूड में है। और उनका कहना है साफ तौर पर कि जब तक हम सिडको के खिलाफ कड़क आंदोलन नहीं करेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।